वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपका बिजनेस मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट होता है और आज की क्लासेस में आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन एकदम से हम एग्जाम लेवल को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं टॉपिक को हम पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हुए और इसके लेवल को धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। तो स्टार्टिंग की एक दो क्लासेस तो आपको बहुत आसान लगेगी और आगे भी आपको आसान लगेगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग के एक दो क्लासेस भले ही आपके लिए बेसिक हो, बट वही आपके लिए बेस प्रिपेयर करेगा, इसे समझ आप इजिली सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्म के साथ में स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। बच्चे मैं स्टार्ट करूंगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको समझ में आएगा तभी जाकर के आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पाएंगे और चेंजिंग रेट ऑफ द इंटरेस्ट आप समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जब उसके बारे में बात करूंगा तब डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। कुछ टर्म्स को देख लेंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एक टर्म होता है हमारा प्रिंसिपल। एक टर्म क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, स्टार्टिंग मनी, वो पैसा जो कि आप स्टार्टिंग में किसी को लोन दे रहे हैं या किसी से आप लोन ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल हम बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? या कोई पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, किसी से आपने लोन लिया, जो स्टार्टिंग का पैसा होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। अब बच्चे एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो डिसाइड कैसे होगा कि वो आपको, क्योंकि जो पैसा आप किसी को उधार देते हैं अगर वही सेम अमाउंट वो आपको रिटर्न कर दे और बात खत्म हो जाए तो इससे तो आपका लॉस हो जाएगा ना। कैसे? मान के फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैं आज के डेट पे किसी को 1,00,000 रुपए दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे लिए 1,00,000 रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं मार्केट में जाकर के कितनी कॉमोडिटीज को ले सकता हूं मुझे मालूम है 1,00,000 रुपए पे, बट मैंने किसी को लोन दे दिया और कुछ भी नहीं लेना उससे, उसे 10 साल के बाद आकर के मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए वापस कर दिए और कुछ नहीं वापस किया, तो आपको पता है कि मुझे लॉस हो गया। क्यों? अब आफ्टर 10 इयर्स वो 1,00,000 रुपए मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब मैं उस 1,00,000 रुपए का उतना सामान बाय नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है बच्चे? तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखें कि आपके ग्रैंडफादर ने किसी को 1,00,000 रुपए लोन दिया हो और वो आज की जनरेशन आपको वापस कर रही है 1,00,000 रुपए, तो आपको मन में ये नहीं आएगा यार वो कहीं इन्वेस्ट कर देते, प्रॉपर्टी ले लेते तो आज क्या उसकी रेट होते और वो बहुत रिच हो गए उस 1,00,000 रुपए से। तो इसलिए हम कभी भी लोन देते हैं या किसी से लोन लेते हैं तो सिर्फ वही अमाउंट हमें रिटर्न नहीं करना होता है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें रिटर्न करना होता है। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो पार्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। लाइक अगर मैं 10% बोलता हूं तो जो जितना पैसा आप मुझसे लोन ले रहे हैं उसका 10% वो तो दोगे ही वापस, नो डाउट, बट उसका 10% आप मुझे दोगे एक्स्ट्रा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चे? कि जो इनिशियल अमाउंट है उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न आ रहा है, उसका कितना शेयरिंग, उसका कितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में टाइम मेंशन करना भी जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में क्या, टाइम मेंशन करना भी जरूरी है। क्यों? अब आप मेरे से 1,00,000 रुपए लेके चले गए, मैंने बता दिया कि इसका 10% आपको इन फ्यूचर मुझे रिटर्न करना है और 1,00,000 रुपए तो वापस करना ही है। आप 100 साल के बाद आ रहे हो, 50 साल के बाद आ रहे हो तो मुझे तो लॉस हुआ ना बच्चे। तो ये मेंशन करना पड़ता है कि भैया ये जो इंटरेस्ट है कितने पीरियड के लिए है। तो यहां पर यूज होगा एक टर्म क्या, टाइम भी यूज होगा। क्लियर है बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली किस फॉर्म में होता है, एनुअल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली किस में रहेगा, एनुअल। बुक के अंदर भी जो होगा वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर है बच्चे? गिवन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑलवेज आपका एनुअल होगा, एक साल का होगा। और टाइम, टाइम आप अगर 2 साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया और आप 2 साल के लिए पैसा रख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% पर एनम, एक साल का 10% लूंगा, 2 साल रखोगे तो भी 2 साल का 10% 20% में रिटर्न लूंगा आपसे। इसलिए टाइम भी इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? और एंड में एक टर्म आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बच्चे, आपने जो पैसा उधार लिया और उसका जो इस पर इंटरेस्ट बनता है वो टोटल पैसा आप वापस कर दो, लोन वाला अमाउंट और उसका इंटरेस्ट वाला, तो टोटल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एज अ अमाउंट इसको हम बोलते हैं। तो टर्म्स क्लियर हुए बच्चे, प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपका टाइम क्या है। टाइम ऑलवेज आपको किस में यूज करना है, आपको ईयर में यूज करना है। क्लियर है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम,
तो टाइम भी किस में होना चाहिए, टाइम भी आपका ईयरली होना चाहिए, टाइम भी किस में होना चाहिए बच्चे आपका, टाइम भी आपका ईयरली होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को देखोगे। क्लियर है, समझ में आया आपको, कोई डाउट? चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूला भी समझ लो आप बच्चे। लाइक मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपसे 10,000 रुपीज या फिर मैं आपसे 1,000 रुपीज लोन ले रहा हूं एज ए प्रिंसिपल, आपने मुझे दिया है, मैंने आपसे लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया कि भैया 10% चार्ज करेंगे पर एनम, ऑलवेज पर एनम ही हो गई, और टाइम है 3 ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन ये है बच्चे। तो सिंपल इंटरेस्ट देखें, सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे से ये 1,000 रुपीज है, तो फर्स्ट ईयर एज अ इंटरेस्ट आप मुझे 10% पे करो, तो 10% पे करूंगा मैं आपको, तो 1,000 पे 10% कितना हो गया, 100 रुपीज मेरा इंटरेस्ट हो गया आपके ऊपर, चाहे मैंने पे किया या मैंने पे नहीं किया, पर 1,000 रुपये मेरा ब्याज, 1,000 रुपये में 100 रुपये मेरा ब्याज आपको देना है। नेक्स्ट ईयर मैं कहता हूँ सर इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहते हो कि वही 10% जो है आपने मुझे लोन लिया था उस पर 10% दे दो, तो 100 रुपीज होगा। क्लियर है ना? अब आप इस 100 पे चार्ज नहीं करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना पैसा आपने मुझसे लोन लिया सिर्फ उसी पे ही इंटरेस्ट देना है। क्लियर है बच्चे? आप 100 रुपीज पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, सिर्फ जो लोन लिया उसी पे। नेक्स्ट ईयर सेम परसेंटेज, सेम जगह पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो इसको बच्चे क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अगर कोई इंटरेस्ट उस पर है तो उस पर भी आप एज अ इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। क्लियर है बच्चे? वो कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल में करके दिखाऊंगा, 2-3 सवाल, अभी उस पर मत जाइए, फॉर्मूला वगैरह कैसे बनेगा सब बना के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब समझ गया आप, सिंपल क्यों नाम है इसका, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है अब हर साल का इंटरेस्ट उतना ही होगा, क्योंकि वही रेट वहीं पे लगना है। तो ईच ईयर इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक साल का निकाल लो, हर साल का उतना ही उतना रहेगा। तो बेसिकली मैं आपसे 3 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो 10%, 100 रुपीज 3 साल के लिए, 3 से ये हर साल का 100 रुपए, तो 3 साल के लिए आप क्यों बार बार कैलकुलेट करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलेंगे सर 300 रुपीज। समझ में आया या नहीं आया आपको? क्लियर है? तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, एज आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट करा, आपने पहले प्रिंसिपल के ऊपर रेट अप्लाई करा अपॉन 100। क्लियर है? और इनटू ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, इनटू टाइम, तो ये आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। यहीं से अदर 2 फॉर्मूला आप क्रिएट करोगे, लाइक प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो SI इनटू 100 अपॉन P इनटू T, अगर आपको T कैलकुलेट करना है तो R इंटू टी, और अगर आपको R कैलकुलेट करना है तो SI इंटू 100 P इंटू टी, और अगर आपको यहाँ पे T कैलकुलेट करना है तो SI इसी फॉर्मूले से हिसाब से कुछ बन गया, इंटू 100 अपॉन P इंटू R। बेसिकली टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, कौन कौन से, P, R, T और SI। क्लियर है बच्चे? जब आप ये SI कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी 3 चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर आप SI के अलावा अगर कुछ और कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आप, तो ऑलवेज SI इंटू 100 ऊपर है, ऑलवेज SI इंटू 100 ऊपर है। देख रहे हो आप, SI इंटू क्या कुछ भी आप निकालो, SI इंटू 100 ऊपर है। तो PRT में से अगर आप P निकाल रहे हो तो बाकी जो रिमेनिंग 2 है, R और T नीचे आ गया, R निकाल रहे तो P और T, T निकाल रहे तो P और R नीचे आ गया।
क्लियर है बच्चे? तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, कुछ बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। बहुत बेसिक सी क्लास है आज की, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाओ। उसके लिए पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ये मान के चलिए। और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ लोगे तो सब कुछ पकड़ लोगे फिर मैथमेटिक्स और फाइनेंस में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2500 रुपीज टू येट रेट 300 रुपीज इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द 8%। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है बच्चे, आपके पास में प्रिंसिपल गिवन है बच्चे कि प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट कर देते हो 2500 रुपीज, और आपने उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव किया है बच्चे, और इंटरेस्ट रिसीव कितना किया आपने उस पर 300 रुपीज आधा इंटरेस्ट। और आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पर 8%। और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो आप बेसिकली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। टाइम का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, टी इक्वल्स टू एस आई क्या है आपका, इंटरेस्ट कितना है आपका 300 इंटू आपके पास में क्या है 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 2500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 8%। तो सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो आपका रिमूव हो गया, तो 25 बन जा 25 एंड 5 2। क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे 3/2 1.5 ईयर। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको? कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 3000 रुपीज प्रिंसिपल क्या है बच्चे, 3000 रुपीज है येट टू 120 रुपीज इन अ सिंपल इंटरेस्ट, और एसआई क्या रिसीव कर रहे हैं आप बच्चे 120 रुपीज है सिंपल इंटरेस्ट इन अ 6 मंथ। भैया 6 महीने में आपने रिसीव किया ये, क्लियर है बात, समझ में आया आपको? कितने महीने में आपने रिसीव किया ये, या आपने 6 मंथ में आपने ये इंटरेस्ट आपने रिसीव किया बच्चे। और आपको मैंने बताया है कि इसमें आपका पूरा फॉर्मूला सब कुछ आपका क्या यूज होता है, एनुअल ही यूज होता है। क्लियर है ना? तो आप यहां पर 6 महीने में अगर ये 120 यूज कर रहा है, तो ऐसा ही 1 ईयर में कितना यूज कर रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि हर बार का इंटरेस्ट इक्वली होता है। तो आपके पास में 120 इंटू 240 रुपीज यूज कर रहा है बच्चे। और आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सिंपल इंटरेस्ट इन अ 6 मंथ। ठीक है, तो साल का इंटरेस्ट क्या है वो निकाल लो पहले। रेट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एंड रेट इक्वल्स टू एस आई क्या आपका 240 इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल क्या हमारे पास में 3000, और टाइम क्या हमारे पास में बच्चे, टाइम हमारे पास में 1 ईयर के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं मैं ये इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप 6 मंथ है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% आया पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज एनुअल ही आपका होगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, एस आई इक्वल्स टू सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना आपका, आर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एस आई कितना है आपका बच्चे, यही अगर आप लेके चलते हैं तो 120 इंटू 100, प्रिंसिपल क्या है आपका 3000, एंड टाइम क्या 6 मंथ, मंथ नहीं लेना ईयर लेना है, कभी भी टाइम अगर आपका मंथ में तो उसको किस में ट्रांसफर कर लेंगे आप, ईयर में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 1 2, ये क्या आ गया आपका 30 से 30 आपका रिमूव हो गया, ये आपका 4 आ गया, और ये आपके पास में 2 आ गया, प्रिंसिपल 3000 है ना आपका। सॉरी 1/2 है ना, ये रेसिपल होकर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 8%। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो बेसिकली क्या करना है, आपने अपने टाइम को ऐसे मंथ में नहीं यूज करना है, टाइम को आपको एनुअल ईयर में यूज करना है, तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12 करोगे। क्लियर है बच्चे, मंथ में अगर है
तो उसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 12 करोगे। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रेट 645 इन 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। ये आपको अमाउंट दे दिया बच्चे, इसने क्या दे दिया आपको, इसने अमाउंट दे दिया यहां पर। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू दिस वन, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको, चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो।